How are you? बेटी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माई वॉइस इज क्लियर टू यू? यस मैम, आ रही है। ओके। So, beta, what we have discussed in the previous lecture, who is going to review the previous lecture? Beta, क्या था previous lecture में? हमने क्या पढ़ा था? कौन से points discuss किए थे हमने? जॉइंट की मूवमेंट के बारे में, जॉइंट प्ले के बारे में, इसके अलावा कन्वेक्स कॉनकेव रूल के बारे में। Yes. बेटे मोबिलाइजेशन हमने कौन से दो टेक्निक्स ऑफ मोबिलाइजेशन हमने डिस्कस की थी? कौन सी मोबिलाइजेशन को हमने डिस्कस किया था बेटे? व्हाट वर द नेम्स ऑफ दोस मोबिलाइजेशन टेक्निक्स? मेटलैंड एंड केल्टरमॉन। वेरी गुड। सो बेटा मेटलैंड मोबिलाइजेशन के कितनी ग्रेड्स थे? How many grades are there in Maitland mobilization? मैम 4 grades थे इसके। Okay, and what about Kaltenborn? इसके 3 थे। So, beta, what we are going to discuss today is आज हम resistance training पे बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि determinants कौन से हैं resistance training में। अगर हम resistance training management में देते हैं patient को तो उसके कौन से determinants हैं, उसको हमने कैसे manage करना होता है, उसकी क्या frequency है, क्या intensity है, क्या duration है, mode of resistance training क्या है, ये हम आज discuss करेंगे। Then बेटे हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस कौन सी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में भी फर्दर टाइप्स हैं और वो कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है? सो बेटे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, हमने डिस्कस किया था मसल परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है? और कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं मसल की परफॉर्मेंस को, वो उस मसल की स्ट्रेंथ है, वो उस मसल की पावर है और मसल की इंड्योरेंस है। सो व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ द मसल? मसल परफॉर्मेंस बेटे स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करती है मसल परफॉर्मेंस को? मैम, एक मसल जितनी फोर्स जनरेट कर सकता है किसी भी रेजिस्टेंस को अफोर्ड करने के लिए या किसी भी लोड को उठाने के लिए, वो उस मसल की स्ट्रेंथ है। अच्छा बेटे, हम ये कह देते हैं कि जितनी एक मसल कितनी फोर्स जनरेट करता है, ठीक है, कितनी टेंशन जनरेट करता है या एक मसल में कितनी कॉन्ट्रेक्शन डेवलप होती है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। अभी हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करते, ठीक है? एक कोई भी आपने टास्क करना है, आप नॉर्मली बैठे भी हुए हो ना, ठीक है? नॉर्मली आप बैठे हुए, बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ठीक है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन आप वो जो बैठे हुए हो रिलैक्स पोजीशन में, उस वक्त भी आपके मसल की स्ट्रेंथ है जो आपको होल्ड किए हुए, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन है, मसल्स में जो स्ट्रेंथ है उसी की वजह से आप एक डिफाइंड पोजिशन में, रिलैक्स पोजिशन में बैलेंस मेंटेन करके बैठे हुए हैं, ठीक है? अदरवाइज अगर आपके मसल की स्ट्रेंथ इतनी ना होती, मसल्स में इतनी टेंशन ना होती, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप ओवरकम करके बैलेंस स्टेट में ना बैठे होते, ठीक है? तो हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करते। मसल में जितनी ही फोर्स, द मसल कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फोर्स और टेंशन, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। कि कितनी स्ट्रेंथ है मसल की, वो कितनी कॉन्ट्रेक्शन डेवलप कर सकता है, ठीक है बेटे? देन व्हाट इज पावर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड पावर? पावर में कौन से एलिमेंट आ जाते हैं बेटे स्ट्रेंथ के साथ? एलिमेंट टाइम के एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है? सो इट इज अ रिलेशन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम। कि अगर आप टाइम के रिस्पेक्टिव बात कर रहे होते हैं कि आपका मसल कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितनी देर तक मसल में टेंशन जनरेट रहती है, दैट इज पावर, ओके? एंड व्हाट अबाउट इंड्योरेंस बेटे? इंड्योरेंस में कौन सा एलिमेंट आता है? रेपिटेशन, नंबर ऑफ रेपिटेशन। यस, वेरी गुड। नंबर ऑफ टाइम्स, कि आप उस कॉन्ट्रेक्शन को कितने नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं विदाउट गेटिंग फटीग, ठीक है? दैट इज इंड्योरेंस। अब बेटे यही सारी चीजें डिफाइन करती हैं आपका मसल परफॉर्मेंस, इज इट सो? दिस इज मसल परफॉर्मेंस। और मसल परफॉर्मेंस क्या है? मसल की परफॉर्मेंस क्या होगी बेटे? मसल की, मसल का वर्क।
मसल की कॉन्ट्रेक्शन. सो बेसिकली मसल परफॉर्मेंस इज मसल कॉन्ट्रेक्शन. किसी की भी मसल की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी कॉन्ट्रेक्शन, कि वो कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है. मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ही बाकी बात बनेगी, ठीक है. सो फर्स्ट मसल परफॉर्मेंस इज मसल कॉन्ट्रेक्शन. अब बेटा मसल कॉन्ट्रेक्शन की भी टाइप्स होती हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. वन इज डायनेमिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, द अदर वन इज डायनेमिक ईसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, एंड थर्ड वन इज बेटे आइसोमेट्रिक स्टेटिक कॉन्ट्रेक्शन. वट इज डायनेमिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन? वॉइस, वॉइस में से बेटे कोई बताए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. वट इज डायनेमिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन? कॉन्सेंट्रिक के लिए मैंने आपको क्या वर्ड्स बताए थे? वट डज दैट मीन कॉन्सेंट्रिक? वॉइस कहाँ है बेटे? ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग ज्यादा ही रिलैक्स हो गए हैं. वॉइस एक तो आपका ये फर्स्ट लॉट में लेक्चर होता है और आई थिंक बच्चे सो रहे होते हैं, लेक्चर नहीं लेते, बिल्कुल अटेंटिव नहीं होते, ठीक है. गर्ल्स हैं वो अटेंटिव होती हैं, लेकिन बॉयज बिल्कुल अटेंटिव नहीं होते. ओके गर्ल्स, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है. सो कॉन्सेंट्रिक मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर. अब डायनेमिक मीन्स के मूवमेंट हो रही है, देयर इज मूवमेंट ऑफ द लिम, लिम की मूवमेंट है, लेकिन मसल की कॉन्ट्रेक्शन की डायरेक्शन क्या है? कॉन्सेंट्रिक टुवर्ड्स द सेंटर. तो बेटा टुवर्ड्स द सेंटर अगर कॉन्ट्रेक्शन है तो मसल क्या हो रहा है, लेंथेंड हो रहा है या शॉर्ट एंड हो रहा है? वेरी गुड. सो बेटा दिस इज डायनेमिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, कि मसल आपका शॉर्टेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द सेंटर, आपके मसल की कॉन्ट्रेक्शन की डायरेक्शन है, ठीक है. अब बेटे मुझे कोई एग्जाम्पल दें कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन की. बाइसेप कर्ल्स, ठीक है. व्हाट इज द मूवमेंट एट एल्बो जॉइंट जब आपको लगता है कि बाइसेप कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? वेरी गुड, फ्लेक्शन. वेरी गुड. द अदर वन इज बेटा डायनेमिक ईसेंट्रिक. ईसेंट्रिक मींस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है. अब आपके मसल की कॉन्ट्रेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर. और यहाँ पे बेटा कौन सी एग्जांपल होगी? व्हाट विल बी द एग्जांपल हियर इन डायनेमिक एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट? वेरी गुड. ओके, योर ट्राइसेप मसल इज लेंथनिंग, ठीक है, किस मूवमेंट के साथ बेटे? एल्बो पे कौन सी एक्सटेंशन एट एल्बो? तो आपका ट्राइसेप लेंथेंड होगा? नो मैम, ट्राइसेप तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सटेंशन में. बाइसेप बेटे जब आप फ्लेक्शन करेंगे एल्बो पे तो बाइसेप शॉर्टेंड हो रहे हैं, लेकिन ट्राइसेप उस वक्त लेंथेंड हो रहे हैं. तो ट्राइसेप की यहाँ पे कौन सी कॉन्ट्रेक्शन हो रही है? ईसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, वो लेंथेंड हो रहे हैं, ठीक है. और बाइसेप शॉर्टेंड हो रहे हैं, वो टुवर्ड्स द सेंटर कॉन्ट्रेक्शन दे रहे हैं, तो उसकी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन होगी. द ऑपोजिट विल बी द केस व्हेन यू एक्सटेंड द एल्बो. जब आप अपनी एल्बो को एक्सटेंड करेंगे, सो इन दिस केस आपके ट्राइसेप पे क्या हो रही है? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन हो रही है. बट एट द सेम टाइम आपके बाइसेप पे कौन सी कॉन्ट्रेक्शन हो रही है? ईसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन हो रही है. ओके, द अदर वन इज बेटे ये तो थे विद मूवमेंट. द अदर वन इज आइसोमेट्रिक. जब आप स्टेटिकली आप विदाउट एनी मूवमेंट अपने मसल्स में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने मसल्स में टेंशन और फोर्स जनरेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है बेटे. ये टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन. नीचे बेटे आप देखें, यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप बताया हुआ है टेंशन का विद टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन. अब बेटे डायनेमिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में आपकी लीस्ट टेंशन रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू डायनेमिक ईसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन. क्यों? क्योंकि बेटे ईसेंट्रिक में आपका मसल फुली लेंथ होगा, फुली स्ट्रेच होगा. जब फुली लेंथेंड होगा मसल, फुली स्ट्रेच होगा आपका मसल, तो उसमें टेंशन भी ज्यादा जनरेट होगी. सो दैट्स व्हाई बेटे डायनेमिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में आपकी लीस्ट टेंशन रिक्वायर्ड होती है, और डायनेमिक ईसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में आपकी ग्रेटेस्ट टेंशन रिक्वायर्ड होती है. इन द सेम वे बेटे अगर हम इस टेंशन जनरेटिंग कैपेसिटी का रिलेशन देखें आपकी मसल परफॉर्मेंस के साथ, तो बेटा स्ट्रेंथ के लेवल पे आपको ज्यादा टेंशन मसल में जनरेट नहीं होती. सो लीस्ट टेंशन इज जनरेटेड इन द केस ऑफ स्ट्रेंथ. लेकिन अगर आप विद रेपिटेशंस मूवमेंट कर रही है, रेपिटेशंस आपकी स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो रही है आपके मसल की, तो अब आपके मसल की ग्रेटर टेंशन रिक्वायर्ड होगी. आपके मसल्स में जो टेंशन जनरेट होगी दैट विल बी ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर दी स्ट्रेंथ. जो स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायर्ड होगी वो लीस्ट टेंशन होगी. लेकिन अगर आप रेपिटेशन के साथ कोई टास्क कर रही है बेटे, तो आपके मसल्स में ज्यादा टेंशन जनरेट होगी. सो बेटा ये एक रिलेशनशिप था मसल परफॉर्मेंस का मसल कॉन्ट्रेक्शन के साथ, और उस दौरान कितनी टेंशन जनरेट होती है मसल्स में
उसका रिलेशन था. इज इट क्लियर बेटे? एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? यस मैम. अब बेटे हम बात करते हैं मसल फाइबर टाइप्स की. अगर हम मसल फाइबर टाइप्स को डिस्कस करें बेटे तो थ्री टाइप्स हैं मेजर, टू टाइप्स हैं टाइप वन एंड टाइप टू. टाइप टू की फर्दर सब कैटेगरीज हैं बेटे, टाइप टू ए फाइबर्स एंड टाइप टू बी फाइबर्स. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटे वो होता है कि कौन से फाइबर्स जो है वो फास्ट हैं, क्विक एक्शन देते हैं, कौन से फाइबर्स स्लो हैं. एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड पॉइंट बेटे रेजिस्टेंस टू फिटीग, कि कौन से फाइबर्स जल्दी फिटीग हो जाते हैं, उनमें रेजिस्टेंस टू फिटीग कम है. ठीक है, कि वो फिटीग को ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाते, जल्दी से रेजिस्ट हो जाते हैं. और दूसरा बेटे कौन से ऐसे फाइबर्स हैं जिनमें रेजिस्टेंस टू फिटीग ज्यादा है, कि वो जल्दी फिटीग नहीं होते, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो लेट फिटीग की तरफ जाते हैं. ठीक है, सो बेटा ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं. तो बेटा अगर हम रेजिस्टेंस टू फिटीग की बात करें तो आपके टाइप वन फाइबर्स जो हैं उनमें हाई रेजिस्टेंस टू फिटीग होती है. इसका क्या मतलब है बेटे, वो जल्दी फिटीग होते हैं या लेट फिटीग होते हैं? लेट. ये आपको पता होना चाहिए कौन से फाइबर्स हैं जो लेट फिटीग होते हैं, जिनमें रेजिस्टेंस टू फिटीग ज्यादा है, तो टाइप वन फाइबर्स है. और बेटा जिनमें बहुत कम है, जो जल्दी फिटीग हो जाते हैं, वो आपके टाइप टू बी फाइबर्स हैं. ठीक है, और जो टू ए फाइबर्स हैं वो इंटरमीडिएट फिटीग रेजिस्टेंस के साथ होते हैं. ठीक है, देन बेटा कैपिलरी डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज कैपिलरी डेंसिटी? ब्लड सप्लाई. ब्लड. ठीक है, नंबर ऑफ कैपिलरीज आपके बेटा, एक अगर हम एरिया ऑफ मसल की बात कर रहे हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ कैपिलरीज हैं जो उस एरिया को सप्लाई कर रही हैं, और उन कैपिलरीज ने क्या सप्लाई करना है? ऑक्सीजन सप्लाई करनी है. ठीक है, सो ऑक्सीजन कंजप्शन किसी भी एक्सरसाइज में वो डिपेंड करती है आपके एरिया की कैपिलरी डेंसिटी पे. ठीक है, सो टाइप वन फाइबर्स की हाई कैपिलरी डेंसिटी होती है बेटे. ठीक है, इसीलिए वो लेट फिटीग होते हैं, जबकि टाइप टू बी फाइबर्स की लो कैपिलरी डेंसिटी होती है, इसलिए वो जल्दी फिटीग हो जाती हैं. एनर्जी सिस्टम की अगर हम बात करें बेटे तो टाइप वन रिक्वायर करते हैं एरोबिक एनर्जी सिस्टम. ठीक है, और टाइप टू भी आपका एनरोबिक एनर्जी सिस्टम रिक्वायर करते हैं. आपके बेटे डायमीटर की अगर हम बात करें तो आपके टाइप वन फाइबर्स का डायमीटर स्मॉल होता है और टाइप टू बी का लार्ज डायमीटर होता है, टाइप टू ए का इंटरमीडिएट डायमीटर होता है. ट्विच रेट बेटा होता है कि उसका फायरिंग रेट मसल का, कि वो कितनी क्विकली कितनी फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रेक्शन जनरेट होती है वहां पे. सो बेटा टाइप वन में क्योंकि स्लो कॉन्ट्रेक्शन जनरेट होती है, ये स्लो फायरिंग रेट है यहाँ पे, इसलिए बेटा ये लेट फिटीग होती है. सो लेकिन जो टाइप टू भी फाइबर्स होती हैं वो फास्ट और क्विक उनका फायरिंग रेट है, इसलिए वो जल्दी फिटीग हो जाती है. ठीक है, अगर आप बहुत तेज तेज एक्सरसाइज करें, ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ आप करें तो आप जल्दी फिटीग हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं. ठीक है, लेकिन आप कम इंटेंसिटी के साथ अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आप जल्दी फिटीग नहीं होते. ठीक है, अगर आप रनिंग को कंपेयर करें आप अपनी उसके साथ वॉकिंग के साथ, तो आप रनिंग में जल्दी फिटीग हो जाती हैं और वॉकिंग में लेट फिटीग होती है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फायरिंग रेट, ट्विचिंग रेट ऑफ द मसल. मैक्सिमम मसल शॉर्टनिंग वेलोसिटी बेटे टाइप वन की स्लो है और टाइप टू बी की फास्ट है. बेटे अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस टेक्निक्स की, कि जो आपकी रेजिस्टेंस टेक्निक्स हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है उसमें कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं और हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटे अलाइनमेंट. ठीक है, कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट क्या होगी, इसको फर्दर हम डिटेल में देखते हैं. देन आपकी स्टेबलाइजेशन है, इंटेंसिटी है, वॉल्यूम है, एक्सरसाइज ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी है, रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन, मोड, पीरियडाइजेशन, इंटीग्रेशन. अलाइनमेंट में बेटे आपकी बॉडी के सेगमेंट्स की अलाइनमेंट. ठीक है, आप जब MMT करते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग करते हैं बेटे, तो आप दो तरह की पोजिशन को याद रखते हैं. एक होती है अलोंग द ग्रेविटी अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी सेगमेंट या आपके मसल्स की, एक होती है बेटे एंटी ग्रेविटी अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी सेगमेंट. ठीक है, सो बेटा दिस इज अलाइनमेंट, कि आप अपने पेशेंट की पोजिशन या उसके लिम्ब की सेगमेंट की पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी क्या बनाते हैं. ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को डिफाइन करती है. अगर आप एंटी ग्रेविटी पोजिशन बना रहे हैं पेशेंट की, ठीक है, और फिर उसे मूवमेंट करवा रहे हैं, तो अब उसकी ग्रेविटी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है वहां पे. ठीक है, सो अब आपने एंटी ग्रेविटी पोजिशन बनाई, ये भी एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है जिसमें आपने ग्रेविटी को रेजिस्टेंस बना दिया.
इज इट क्लियर? और बेटे अगर आप अलोंग द ग्रेविटी पेशेंट की पोजिशन में आ रहे हैं और फिर उसे मूवमेंट करवा रहे हैं, तो आप उसको रेजिस्टेंस अवॉइड कर रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर रहे हैं. इस केस में उसकी ग्रेविटी उसको रेजिस्ट नहीं कर रही, उसकी ग्रेविटी उसको असिस्ट कर रही है मूवमेंट करने में. यू पीपल आर गेटिंग मी? यस मैम. तो बेटा जो अलाइनमेंट होती है किसी भी मसल, ओके मैं रिपीट करती हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस स्लाइड. बेटे जो अलाइनमेंट होती है किसी भी मसल की, किसी भी मूवमेंट की, जो आपके मसल फाइबर्स की डायरेक्शन होगी, ये उससे हम डिसाइड करते हैं कि मसल फाइबर्स की डायरेक्शन और आपका पुल ऑफ द मसल्स जो है उसके अकॉर्डिंगली हम अलाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के साथ. सो अलाइनमेंट बेटे आपकी डिटरमिंड बाय डायरेक्शन ऑफ द मसल फाइबर्स. बेटे मैं ये कह रही हूँ कि आपकी अलाइनमेंट और ग्रेविटी का क्या रिलेशन है. एक जब आप MMT मैनुअल मसल टेस्टिंग करवाते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट करते हैं तो आप दो तरह से करते हैं, या तो एंटी ग्रेविटी पोजिशन होगी पेशेंट की, या अलोंग द ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी एलिमिनेटेड, ठीक है, या ग्रेविटी असिस्टेड, ठीक है. अब जो एंटी ग्रेविटी है बेटे, उसका ये मतलब है कि आपने अपने मसल की डायरेक्शन ऐसे रखी कि आपकी ग्रेविटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट कर रही है, ठीक है. तो बेटा जो ऑपोजिट एक्ट कर रही है आपकी ग्रेविटी, यहाँ आपकी ग्रेविटी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है वहां पे, ठीक है. तो आपने अपने एक्सरसाइज को या अपनी ROM को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की शेप दे दी सिर्फ एक पोजीशन ऑफ द पेशेंट चेंज करने से, ठीक है. और अगर बेटे आप अलोंग द ग्रेविटी पेशेंट की पोजीशन है और आप उसे मूवमेंट करवा रहे हैं, अब उसकी ग्रेविटी यहाँ पे उसको रेजिस्ट नहीं कर रही, उसको अपोज नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पे वो उसको असिस्ट कर रही है. इज इट क्लियर? क्योंकि अब आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है. तो आपकी ग्रेविटी की रेजिस्टेंस यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, बल्कि यहाँ पे आपकी ग्रेविटी क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है आपकी मूवमेंट. इज इट क्लियर? यस मैम. सो बेटा दिस इज हाउ कि हम जब भी कोई मूवमेंट या ट्रेनिंग करवाते हैं तो अलाइनमेंट को हम कंसीडर करते हैं. इसी तरह अगर आपने किसी पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेंथ देखनी हो ना, तो आप शुरू में अलोंग द ग्रेविटी डायरेक्शन में देखते हैं कि इतना कैपेबल है कि अलोंग द ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी उसको असिस्ट कर रही है तो कितनी रेंज है उसकी, ठीक है. और फिर बेटे जब आप देख लेते हैं कि अलोंग द ग्रेविटी पेशेंट की मसल्स की स्ट्रेंथ ठीक है, इंटेक्ट है, तो फिर आप देखती हैं कि अगर ग्रेविटी इसकी ऐसी पोजीशन बनाए कि अब उसको ग्रेविटी रेजिस्ट कर रही है, तो अब इसके मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है कि वो मूवमेंट परफॉर्म कर लेगा, ठीक है. देन बेटा आपकी स्टेबलाइजेशन आ जाती है. स्टेबलाइजेशन इज रिलेटिव इमोबिलिटी ऑफ द बॉडी सेगमेंट. अब अगर आप किसी बॉडी सेगमेंट को रिलेटिवली विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर बॉडी सेगमेंट आप उसको स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं ताकि ये सेगमेंट स्टेबलाइज रहे और दूसरे सेगमेंट पे हमें प्योर मूवमेंट मिल जाए, ठीक है. सो आप रिलेटिव इमोबिलिटी अगर उस सेगमेंट पे जनरेट करते हैं, दैट इज स्टेबलाइजेशन, ओके. और फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअली बेटे जब भी कोई मूवमेंट करवाता है तो कोशिश ये करता है कि उसके एक सेगमेंट को स्टेबलाइज करे ताकि दूसरे सेगमेंट पे जहां पे हमें हमने असेस करनी है मूवमेंट, वहां पे हमें प्योर मूवमेंट उसी सेगमेंट की मिले, वहां पे सब्स्टिट्यूशन ना हो. What does substitution means? कि अगर उस एरिया पे थोड़ी सी रेंज कम है तो दूसरे एरिया पे वहां पे फ्लेक्शन हो रही है तो वो फ्लेक्शन एड ऑन कर रही है उसकी दूसरी फ्लेक्शन में. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल देते हैं हिप ज्वाइंट की, ठीक है. अगर हम प्योर हिप ज्वाइंट की फ्लेक्शन बेटे करवा रही है, नी को हमने एक्सटेंडेड रखा है, तो हमें यहाँ पे प्योर हिप की फ्लेक्शन मिलेगी, ठीक है. सब्स्टिट्यूशन क्या होगी कि अगर एक पेशेंट हिप को फुली फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, जहां पे उसकी रेंज उसको मिल रही थी, जहां तक वो लेके जा सकता था आसानी से, वो ले गया हिप को, दूसरा फिर उसने अपने नी को फ्लेक्स कर लिया ताकि वो थोड़ी सी रेंज गेन कर सके अपने हिप की फ्लेक्शन, ठीक है. सो अब यहाँ पे हिप की फुल फ्लेक्शन हमें अचीव नहीं हुई, जबकि हमें सब्स्टिट्यूशन मिल गई, नी फ्लेक्शन ने साथ सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है. तो बेटा सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड करने के लिए हम स्टेबलाइजेशन करते हैं, ओके. और बेटे एक आपका प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है और एक आपका डिस्टल सेगमेंट होता है. हम इसमें ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि करेक्ट मसल एक्शन हमें मिले और मूवमेंट पैटर्न हमें मिल रहा है. हम अनवांटेड सब्स्टिट्यूट मोशंस को अवॉइड करें ड्यूरिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. जिस सेगमेंट को आप रेजिस्ट करना चाह जिसको आप रेजिस्ट करना चाह रहे हैं बेटे, तो उसी पे मूवमेंट हो, दूसरे सेगमेंट पे मूवमेंट ना हो, उसको आप स्टेबलाइज कर दो. स्टेबलाइजेशन की टाइप्स होती है बेटे, वन इज एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन, अदर वन इज इंटरनल स्टेबलाइजेशन, ठीक है. एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन या तो बेटा मैनुअली होगी या मैकेनिकली होगी. मैनुअली होगी तो थेरेपिस्ट अप्लाई कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा आपके ज्वाइंट को, या फिर बेटे आप किसी इक्विपमेंट से भी
कर सकते हैं, दैट इज मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन. ओके, उसमें बेल्ट आ जाती हैं, स्ट्रैप्स आ जाती हैं बेटे, या फर्म स्पोर्ट सर्फेस है, ठीक है, और कुछ नहीं. तो आपने अगर किसी ज्वाइंट को स्टेबिलाईज करना हो, उसके नीचे पैडिंग कर दें, ठीक है, टॉवल से या किसी कुशन से उसको पैड कर दें, ताकि वो ज्वाइंट जो है वहां पे स्टेबिलाईज हो जाए, उसमें मूवमेंट कम हो. ठीक है, स्टेबिलाईजेशन नहीं होगी तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलाईजेशन होगी तो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. इंटरनली बेटा स्टेबिलाईजेशन हम कैसे करते हैं, इंटरनली आपका अगर आप किसी मसल कॉन्ट्रेक्शन को, मसल्स को टाइट कर लें, उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड कर लें, तो ये बेटा वहां पे स्टेबिलाईजेशन होती है, जिसको हम नाम देते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन. अब बेटे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी पेशेंट को कहते हैं SLR स्ट्रेट लेग रेज करें, ठीक है, या हम उसकी हिप फ्लेक्शन चेक करना चाह रहे हैं. अब हम ये चाह रहे हैं कि हम प्योर हिप फ्लेक्शन देखें उसकी, उसका लंबर रीजन जो है या उसका पेल्विस इन्वॉल्व ना उस फ्लेक्शन में. ठीक है, आपने मोस्टली पेशेंट्स को देखा होगा बेटे कि जब वो हिप फ्लेक्शन करती हैं, साथ वो अपनी कमर भी थोड़ी उठा लेती हैं, ठीक है, अपने लंबर रीजन को भी थोड़ा लिफ्ट कर लेती हैं. अब जब वो अपने लंबर रीजन को लिफ्ट कर रही होती हैं, तो उनकी फ्लेक्शन ऑब्वियसली गेन हो जाती है. ठीक है, जब हम पेशेंट्स को ये कहते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स या आपके जो लंबर मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करें अंदर की तरफ, ठीक है, आपने उनको टाइट करने है, होल्ड करके रखने है. या पेशेंट को उनकी वर्डिंग में बताने के लिए बेटे आप ये कह सकते हो कि अपनी कमर से नीचे प्रेस करें. ठीक है, जब वो अपनी कमर से नीचे काउच पे प्रेस करेंगे, तो उनके जो लंबर मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो स्टेबलाइज हो गए उसी एरिया में. अब वो जब अपने हिप को लिफ्ट करेगा, लेग को रेज करेगा, तो उसकी प्योर हिप पे फ्लेक्शन होगी, हिप पे मोबिलिटी होगी, पेल्विस पे या लंबर स्पाइन पे कोई मोबिलिटी नहीं होगी. दिस इज बेटे व्हाट वी कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, कि उसने अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रोक के रखा वहीं पे, ठीक है, स्टेबलाइज कर लिया उस एरिया को. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So, beta, internal stabilization achieved by an isometric contraction of an adjacent muscle group that does not enter into the movement pattern. जैसे आप देखें बेटे, जब उसने अपने pelvis को stabilize कर लिया, lumbar muscles को जो है वो उसने contract करके hold करके रखा, तो उसने stabilize कर लिया, वहां पे कोई mobility नहीं है. ठीक है, तो pure movement अब आपकी जो होगी वो आपकी hip joint की होगी. Let's take an example, when performing a bilateral SLR, the abdominals contract to stabilize the pelvis and lumbar spine as a hip flexor raise the leg. तो अब यहाँ पे आपको pure strength मिल रही है hip flexors की, इसमें कोई contribution नहीं है आपके abdominal muscles की, आपके pelvic. Then बेटा आपका फैक्टर आ जाते हैं इंटेंसिटी. बेटा जितना आप वेट प्रोवाइड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग रेजिस्टेंस, वो आपकी इंटेंसिटी है. ठीक है, सो सब एक होता है बेटा, सब मैक्सिमल इंटेंसिटी या मैक्सिमल रेजिस्टेंस. सब मैक्सिमल मैक्सिमल रेजिस्टेंस से कम होती है. तो शुरू में आप सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस देती हैं पेशेंट को, देन आप जब देखती हैं कि सब मैक्सिमल इंड्योर कर लेता है ये, तो आप उसको मैक्सिमल की तरफ लेके जाते हैं. So, बेटा सब मैक्सिमल लोडिंग हम कहाँ पे करते हैं या सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस हमने कहाँ पे देनी है? अगर अर्ली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और सॉफ्ट टिश्यू को अभी हील होने के लिए टाइम चाहिए बेटे, तो उस हीलिंग टाइम में हम हमेशा सब मैक्सिमल लोडिंग करते हैं. ठीक है, या फिर पेशेंट जो है वो काफी अरसे के लिए इमोबिलाईज रहा है, उसके फौरन बाद बेटे इमोबिलाईजेशन के कभी भी हम पेशेंट को फौरन से मैक्सिमली रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि उसके मसल्स फॉरन से सोननेस की तरफ चले जाएंगे. ठीक है, तो सब मैक्सिमल से स्टार्ट करती हैं और मैक्सिमल की तरफ लेके जाते हैं. इनिशियली लर्निंग है बेटे, शुरू में हमेशा आपने सब मैक्सिमल लोडिंग करनी है. चिल्ड्रन में बेटा या बहुत ज्यादा ओल्ड एडल्ट्स हैं, उनमें भी हम सब मैक्सिमल लोडिंग करते हैं. क्यों करते हैं बेटे? क्योंकि अभी उनकी बोन्स जो है वो वीक होती हैं और उनकी बोन्स की ग्रोथ अभी कंटिन्यू होती है चिल्ड्रन में, इसलिए हम करते हैं उनमें मैसा मैक्सिमल लोडिंग. लेकिन ओल्डर एडल्ट में हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बोन्स वीक हो चुकी होती है, बोन डेंसिटी जो है उनकी कम हो चुकी होती है, इसलिए हम सब मैक्सिमल लोडिंग करते हैं. फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम ना दें. ठीक है, सो बेटा अगर आपने मसल इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है, तो आप सब मैक्सिमल लोड जो है वो अप्लाई करेंगे. क्यों बेटे? क्यों इंड्योरेंस पे सब मैक्सिमल लोडिंग क्यों करते हैं? ताकि आप लोड उसे कम दे रही हैं और नंबर ऑफ रेपिटेशन अब ज्यादा होंगी, ताकि वो जल्दी फिटीक ना.
ठीक है। और बेटा वार्म अप और कूल डाउन में भी हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई रेजिस्टेंस, अव्वल तो बेटा वार्म अप और कूल डाउन में रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस आपको डालनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप बेस उनकी बेसिक आरओएम डालो, स्ट्रेचेस डाल दो, लेकिन अगर इन केस आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग डाली है वार्म अप और कूल डाउन में, तो हमेशा कम लोड दें सिर्फ उन्हें वार्म अप करने के लिए, मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। देन बेटे स्लो वेलोसिटी आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग में हम जो है वो सब मिक्स में लोडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपके जॉइंट्स पे जो है वो फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस ना पड़े, ठीक है, वहां पे कंप्रेशन जनरेट ना हो। डिस्क वगैरह पे, लंबर स्पाइन पे, सर्वाइकल स्पाइन में भी इन केसेस अगर हम वहां पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं सब मैक्सिमल लोड हो, ताकि इतना लोड इंक्रीज ना हो कि उनके जॉइंट्स को वो कंप्रेस करे, उन स्पेसेस को जो जॉइंट स्पेसेस हैं उनको कंप्रेस करे, तो वहां से जो स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं उन पे कंप्रेशन पड़े। देन बेटे मैक्सिमल लोडिंग है मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और पावर को इंक्रीज करने के लिए, और बेटे मसल साइज को इंक्रीज करने के लिए। तो जो आपके पास कभी पेशेंट्स आते हैं या कोई एडवाइस मांगते हैं वेट गेन ट्रेनिंग के लिए बेटे, तो आप उनको कौन सी ट्रेनिंग की तरफ लेके जाते हैं? वेट गेन के लिए कौन सी ट्रेनिंग होती है बेटे? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैम, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेटे, ठीक है। जहां भी आपको वेट गेन करना हो तो आप उन्हें वेट बेरिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ लेके जाए, ठीक है, क्योंकि आप जब मैक्सिमम लोड उन्हें दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन बन रही है, तो वो आपके मसल मास को इंक्रीज करता है। सो अगर वेट गेन के लिए आपने ट्रेनिंग करवानी है, तो आप हमेशा जाएंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ पेशेंट की, ठीक है, वेट बेरिंग हो, जिसमें जिसमें आपके मसल्स वेट बियर करें, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्शन करें, ठीक है। इन द सेम वे बेटे हेल्दी एडल्ट्स में हम लोग एडवांस फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में मैक्सिमम लोडिंग करवाते हैं। कंडीशनिंग प्रोग्राम में, कंडीशनिंग मीन्स कि आप अपने मसल्स को कंडीशन कर रहे हैं, आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथेंड और मसल मास गेन कर रहे हैं, तो उसमें आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जरूरत होती है विद मैक्सिमम लोडिंग। और बेटा कॉम्पिटिटिव वेट लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, देन इज बेटा रेपिटेशन मैक्सिमम। व्हाट इज रेपिटेशन मैक्सिमम? We have already discussed one RM, one repetition maximum. क्या होती है बेटे? Maximum weight जो कि एक person एक time में lift कर सकता है। Very good. वो आपकी one repetition maximum है। और दूसरी बेटे कौन सी term हमने discuss की थी? Endurance. 10 repetition maximum. अब आपकी 10 repetition maximum क्या होगी बेटे? 10 time जो weight एक person carry कर सकता है maximum. Yes. सो बेटा ये हम किसी एक मसल या मसल ग्रुप के अगेंस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। सो विच एक्सरसाइज इंड्यूस इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ कैन बी कंपेयर्ड, ताकि आप ये कंपेयर कर सकें कि आप एक्सरसाइज से जो स्ट्रेंथ इंड्यूस कर रहे हैं उसमें कंपैरिजन कर सकें कि प्री लोडिंग क्या स्ट्रेंथ थी आपके मसल्स की और आफ्टर लोडिंग क्या स्ट्रेंथ है आपके मसल्स की। सो टू आइडेंटिफाई एन इनिशियल एक्सरसाइज लोड अमाउंट ऑफ वेट टू बी यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तब भी हम रेपिटेशन मैक्सिमम ही यूज करते हैं कि इस पेशेंट को हमने कितना लोड देना है, कि कितना वेट लिफ्ट करे, ये उसकी रेपिटेशन मैक्सिमम पे डिपेंड करते हैं। तो जब हम पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं, तो हम रेपिटेशन मैक्सिमम के थ्रू असेस करते हैं कि इस पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम कितना वेट देंगे और कितने वेट से हमने स्टार्ट करना है और किस तरह प्रोग्रेस करना है। देन इज बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेटा आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। रेपिटेशंस बेटे आप एक सेट में कितनी रेपिटेशंस करवा रहे हो, ठीक है, रेपिटेशंस में आप ऐड करोगे सेट्स को और बेटे उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस को कि आपने कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई की। तो समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशंस एंड सेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग अ सिंगल एक्सरसाइज सेशन टाइम्स द रेजिस्टेंस अप्लाइड, ठीक है। सो रेपिटेशंस प्लस सेट्स इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ योर एक्सरसाइज। इज दैट क्लियर बेटे? मैम इसमें वन डे में कितने टाइम करवा रहे हैं और वन वीक में वो नहीं है? वन डे में कितने सेट्स थे, ठीक है, कि अगर आपने थ्री टाइम्स उसको एक्सरसाइज रिकमेंड की है अ डे, ठीक है, एक दिन में थ्री टाइम्स अगर आपने एक्सरसाइज रिकमेंड की है तो थ्री सेट्स होंगे, ठीक है। रेपिटेशंस एक सेट में कितनी रेपिटेशंस थी? अगर आप मॉर्निंग में एक सेट करवा रहे हैं तो उसमें 8 to 10 रेपिटेशंस थी, तो आपकी 10 मॉर्निंग की रेपिटेशंस, सेकंड सेट आपने जब करवाया दिन में सेकंड टाइम तो उसमें 10 रेपिटेशंस, फिर इवनिंग में आपने जब एक सेट करवाया उसकी 10 रेपिटेशंस, टोटल रेपिटेशंस कितनी हो गई? 30 रेपिटेशंस। सेट्स कितने हो गए? 3
थ्री, और बेटा फिर रेजिस्टेंस कि आपने ड्यूरिंग आपका सिंगल एक्सरसाइज सेशन आपने कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई की, ठीक है, कि आपने मॉर्निंग में जब एक सेट करवाया तो उसमें आपने कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई की थी, वो आप उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे. अब बेटे इनमें रिलेशन देखिए, रेपिटेशन में और रेजिस्टेंस में हमेशा इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है, जितना आप ज्यादा वेट अप्लाई करेंगे उतनी रेपिटेशन कम हो जाएंगी. एक्सरसाइज ऑर्डर, ऑर्डर बेटा ये होता है कि आपको ये पता हो कि आपने किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज करवानी है, कौन से मसल ग्रुप्स की पहले आपने एक्सरसाइज करवानी है, फिर कौन से मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना है. या अगर हम जॉइंट की बात कर रहे हैं तो बेटा ऑर्डर हमेशा ये रखते हैं कि पहले आप मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस करवाएं, ऐसी एक्सरसाइजेस करवाएं जो ओवरऑल बॉडी के जॉइंट्स को आपके इन्वॉल्व करी हो, और फिर जिस जॉइंट का मसला है या जिस जॉइंट की आप ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं पर्टिकुलर उस जॉइंट की तरफ आए, ठीक है. इसी तरह बेटे जब हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि जो साइड उसकी अफेक्टेड है ना उस साइड की बाद में एक्सरसाइज करवाएं, पहले जो उसकी नॉन अफेक्टेड साइड है थोड़ी उस साइड की एक्सरसाइज करवाएं, उसके बाद आप अफेक्टेड साइड की तरफ लेके जाएं. जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स है ना, उनको हमेशा आप पहले नॉन अफेक्टेड साइड की एक्सरसाइज करवाएं, ऑर्डर ये रखें अपनी ट्रेनिंग का, और उसके बाद अफेक्टेड साइड की तरफ लेके जाएं, ठीक है. या जिन मसल ग्रुप्स की टाइटनेस है, सोनेस है, अगर राइट ट्रेपीजियस आपको लग रहा है कि टाइट है तो पहले आप लेफ्ट ट्रेपीजियस की एक्सरसाइज करवाएं फिर राइट की तरफ आए. सो बेटा दिस इज ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज. फ्रीक्वेंसी बेटा आपका नंबर ऑफ एक्सरसाइज सेशंस पर डे या पर वीक, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी बेटा सिर्फ आप ये नहीं होता कि अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उसमें हमने 3 to 5 times पर वीक रखा है तो यही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और आपने यही मेक श्योर करना है कि हर पेशेंट को यही फ्रीक्वेंसी के साथ आप एक्सरसाइज करवाएं. ये बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जिसमें आपकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम है, पेशेंट के गोल्स पे डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करता है, प्रीवियसली वो किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, फिजिकल एक्टिविटी में कितनी उसकी पार्टिसिपेशन है ये उस पर भी डिपेंड करता है, और रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है. इसलिए बेटे हमेशा जब आप ट्रेनिंग करवाएं या फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करें पेशेंट को, हमेशा बीच में मिड असेसमेंट उसकी जरूर रखें, ताकि आपको पता चले जो आपका प्लान था वो ठीक चल रहा है, उसके पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे. सो हमेशा सिर्फ लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ फिजिकल थेरेपिस्ट टाइम को बचाने के लिए अपने एक प्री असेसमेंट कर लेती हैं और एक पोस्ट असेसमेंट कर लेती हैं, ठीक है. सो बेटा वो पोस्ट असेसमेंट इतनी अच्छी नहीं मिलती, वो क्यों नहीं मिलती, आपको चाहिए पहले प्री असेसमेंट करें, फिर दरमियान में आप मिड असेसमेंट करके देखें कि आइदर पेशेंट को फर्क भी पड़ा है उससे या नहीं पड़ा, और एट द एंड आप एक पोस्ट असेसमेंट करें. So it are greater the intensity in volume of exercise, the more time is needed. Obviously, if it agar intensity or volume of exercise aata hai to aapko zyada time require hoga, to aapka jo exercise duration hai ya aapki jo duration of treatment hai wo prolong ho jayegi, increase ho jayegi. क्योंकि बेटे अगर आपकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम ज्यादा है तो हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि दरमियान में पेशेंट को रेस्ट इंटरवल्स भी उसके मुताबिक मिले, ठीक है. अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और वॉल्यूम की एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो हमने ये मेक श्योर करना है कि उसके रेस्ट इंटरवल्स भी मैक्सिमम उसी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है. सो मैक्सिमम टाइम दें आप उसको रेस्ट इंटरवल का भी. इसकी वजह ये होती है ताकि डी कंडीशनिंग और सोरनेस को, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डोम्स, ठीक है, आपने नाम सुना होगा डोम्स. हम इसलिए कहते हैं कि डोम्स को अवॉइड करने के लिए और डी कंडीशनिंग, जिसकी आप जिस मसल की या जिस एरिया को आपने कंडीशन किया है, अब फर्दर उसकी डी कंडीशनिंग को अवॉइड करने के लिए हम रेस्ट इंटरवल्स भी उसके अकॉर्डिंगली रखते हैं. अब फ्रिक्वेंसी ऑफ बेटा क्या हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, या तो हम 2 to 3 times पर वीक दे सकते हैं या एवरी अदर डे ऑल्टरनेट डेज पे, कि एक दिन आपने ट्रेनिंग करवाई, एक दिन आपने गैप दिया, नेक्स्ट डे फिर आपने उसको ट्रेनिंग करवाई. सो ऑन ऑल्टरनेट डेज आप दे सकते हैं या 5 sessions पर वीक भी, ज्यादातर यही चलता है 5 sessions पर वीक, ठीक है. ड्यूरेशन की अगर हम बात करें बेटे तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स और मंथ्स ड्यूरिंग विच आर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम इज कैरीड आउट, वो उसकी ड्यूरेशन को डिफाइन करता है. इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है बेटे, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि आप उसकी न्यूरल अडेप्टेशन ये होती है बेटे कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसके पैटर्न कब तक डेवलप होंगे, लर्निंग कब तक होगी उसकी ब्रेन में रिगार्डिंग एन एक्सरसाइज, या एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के मुताबिक उसकी न्यूरल एडेप्टेशन कब बनेगी, तो वो 2 to 3 weeks में बन जाती है. और अमूमन हम ये देखते हैं कि 1 month में पेशेंट न्यूरल एडेप्टेशन की तरफ आ जाता है आफ्टर अ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम. लेकिन
जो हाइपरट्रॉफी है, अब हम ये चाह रहे हैं कि मसल मास भी गेन हो और साथ उसकी वहां पे सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो. सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो बेटे मसल मास गेन होगा. तो उसके लिए बेटे आपने माइंड में रखना है कि 2 महीने आपको लग जाती है. तो सो 6 to 12 weeks का आपने, 2 से 3 महीनों का आपने माइंड में रखना है. उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है उसके आउटकम्स मिलते हैं. हमारे यहाँ क्या होता है बेटे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, अब पेशेंट चाह रहा होता है बस 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में मुझे वेट मसल मास इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है मेरा वेट गेन करे. तो बेटे उस टाइम में तो अभी न्यूरल अडेप्टेशन सिर्फ बनती है आपकी, ठीक है. सो मसल मास गेन करने में आपको लग जाते हैं मंथ्स, 3 to 4 months लग जाते हैं आपको. इज इट क्लियर? Yes, जो बेटा अब अगर आप ये कंपैरिजन करें यंग एडल्ट का और ओल्ड एज पेशेंट का, तो ये जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होती हैं, अब हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि अब स्ट्रोक का पेशेंट इस पे इतना काम नहीं करना, इसने कौन सा जो है वो रिकवरी की तरफ ज्यादा जल्दी आना है. जबकि बेटे प्रैक्टिकली अगर आप काम करो तो आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि ये जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं ये ज्यादा जल्दी रिकवरी की तरफ जाते हैं. और जिस तरह आप, जैसे एक बच्चा होता है ना कि शुरू में उसको जिस तरह ट्रेन कर लो वो वैसा हो जाते हैं, स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस के बाद आपके मसल्स उस बच्चे की तरह होते हैं कि आपने उन मसल्स को अब जैसे बनाना है ना, उन मसल्स ने वैसे ईजिली बन जाना है, ठीक है. सो हमारे यहाँ लोग निग्लेक्ट कर देते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स को, हमारी अपनी फैमिलीज में हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं कि पैरालिसिस हो गया अब यार ये मुश्किल है, बस इतना हो जाए कि चल फिर ले, ठीक है. लेकिन नहीं, अगर आप समझें कि उनके मसल्स जो हैं अब वो आपके न्यू मसल्स हैं जिनको आपने ट्रेन करना है, तो जैसे आप उनको ट्रेन कर दोगे तो वैसे जल्दी टाइम में जो है वो रिकवर कर जाते हैं. जबकि बेटे जो एक हेल्दी एडल्ट होता है उसके मसल्स में अगर आपने मसल मास गेन करना है तो आपको ज्यादा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी उस मसल, क्योंकि वहां पे वो मसल्स ऑलरेडी हेल्दी हैं, ठीक है. उनको अपनी तरह न्यूरल अडेप्टेशन बनाने में और फिर उनको यूज टू उस ट्रेनिंग का करवाने में उनको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है. इसलिए बेटे यंग एडल्ट जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनको जल्दी अफेक्ट नहीं मिलते. बेटे समझ आ रही है? यस मैम. एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? सैचुरेशन तो नहीं हो रही बेटे? नो मैम. ओके. रेस्ट इंटरवल बेटे, रेस्ट इंटरवल डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज पे. आप मॉडरेट इंटेंसिटी करवा रहे हैं तो आप रेस्ट इंटरवल भी जो है वो इतना ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी करवा रहे हैं ट्रेनिंग तो उसके अकॉर्डिंगली बेटे आपके जो रेस्ट इंटरवल्स हैं वो भी लॉन्ग होंगे. सो फॉर मॉडरेट इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 2 to 3 minute रेस्ट पीरियड आफ्टर ईच सेट इज रिकमेंडेड, ठीक है. लेकिन अ शॉर्ट रेस्ट इंटरवल इज एडिक्वेट फॉर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, कि लो या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए आप शॉर्ट रेस्ट इंटरवल्स रखें. लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो आपका रेस्ट इंटरवल लॉन्गर होगा, ग्रेटर देन 3 minutes. ओके. सो पेशेंट्स विद पैथोलॉजिकल कंडीशन बेटा, अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ है या जल्दी जिसके मसल्स फटीग हो जाती हैं, या बच्चों में या एल्डरली, इनमें हम रेस्ट इंटरवल्स जो हैं वो एटलीस्ट 3 minutes रखते हैं, ठीक है. सो बिटवीन सेट्स बाय परफॉर्मिंग द नॉन रेजिस्टेड एक्सरसाइज सच एज लो इंटेंसिटी साइकिलिंग और परफॉर्मिंग द सेम एक्सरसाइज विद ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी. तो पेशेंट फटीग ना करे, फटीग ना हो जल्दी, तो इसके लिए एक ही है कि आप रेस्ट इंटरवल एटलीस्ट 3 minutes का रखें. और दूसरा ये ऑप्शन है बेटे कि ड्यूरिंग दैट रेस्ट इंटरवल आप पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल फ्री ना रखें. उस रेस्ट इंटरवल में पेशेंट अपनी अनअफेक्टेड साइड, जो उसकी ऑपोजिट साउंड साइड है, वो उसके साथ कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करे, लाइट सी. कोई आरओएम्स कर सकता है, कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकता है. सो आप उस रेस्ट इंटरवल में पेशेंट से अनअफेक्टेड साइड पे ट्रेनिंग करवाएं. बेटा जो ऑल्टरनेट डे पे ट्रेनिंग होती है उसमें आपको ये होता है कि आप 24 hours, आपने अगर ट्रेनिंग है आपकी तो फिर आपने 24 hours का रेस्ट दिया, नेक्स्ट डे पे फिर आपने ट्रेनिंग करवाई. एक होता है कि अगर आप 48 hours रेस्ट इंटरवल रखें बिटवीन एक्सरसाइज सेशंस, दैट इज ट्रेनिंग एवरी अदर डे. ओके. सो बेटा इसमें ये होता है कि पेशेंट को एडिक्वेट टाइम मिल जाता है रिकवरी के लिए. सो जो इनिशियल स्टेजेस में हो, जिनकी अभी हीलिंग और रिकवरी का टाइम पीरियड है, तो उसमें आप ये प्रेफर करते हैं. अदरवाइज इसका फायदा नहीं होता. आप जो मसल स्ट्रेंथन कर रहे हैं वो वापस डीकंडीशन हो जाती है इतने टाइम में, ठीक है. सो मोड ऑफ एक्सरसाइज बेटे डिपेंड करती है आपकी टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन पे, कि आप किस तरह की मसल कॉन्ट्रेक्शन करवा रहे हैं. Velocity of exercise बेटे, velocity at which a muscle contract, ठीक है.
किस वेलोसिटी के साथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइज है. अब पीरियडाइजेशन और वेरिएशन, बेटा आपकी आपने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की और आपने एक तरह की इंटेंसिटी और वॉल्यूम के साथ कुछ अर्सा ट्रेनिंग करवाई, तो वो एक पीरियड है. उसके बाद अगर आप उसकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम को चेंज करेंगे नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो वो नेक्स्ट पीरियड होगा. तो इस तरह हम पीरियडाइजेशन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, वॉल्यूम और ड्यूरेशन की बेसिस पर. इंटीग्रेशन ये है बेटे कि आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को डिफरेंट तरह से यूज करें. कुछ कुछ फंक्शनल टास्क में उसकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एड ऑन कर लें कि उसके फंक्शनल टास्क भी होते रहे परफॉर्म, साथ उसकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी उसी में कवर हो जाए. सो अगर हम यूज ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दैट अप्रोक्सीमेट और रेप्लीकेट फंक्शनल डिमांड्स, तो ये पेशेंट के लिए ईजी हो जाते हैं कि वो अपने फंक्शनल टास्क या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग करते हुए ही उसकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी हो जाए, तो हम उसी में एड ऑन कर देते हैं. सो बेटा टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक मैनुअल रेजिस्टेंस है, एक मैकेनिकल रेजिस्टेंस है, देन आपकी आइसोमेट्रिक्स आ जाती हैं, आइसोटोनिक्स आ जाती हैं, पीएनएफ पैटर्न्स आ जाती हैं, आइसोकाइनेटिक आ जाती है बेटे, ओपन चेन और क्लोज चेन आ जाती हैं, ये आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है. सो बेटा दिस वन इज ओपन चेन एंड दिस वन इज क्लोज चेन. व्हाई दिस इज ओपन चेन बेटे? फर्स्ट वन फिगर, हाउ यू कैन से दैट इट इज ओपन चेन एक्सरसाइज? बिकॉज द डिस्टल पार्ट इज फ्री टू मूव. वेरी गुड. एंड इन क्लोज चेन your distal the distal part fixed hota hai, matlab stabilized hai on the floor, part free to move hai. Theek hai, any problem till here ma'am? Integration ka dobara bata de. इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटी कि उसके फंक्शनल टास्क, उसकी होम एक्टिविटीज में ही आप मॉडिफिकेशन कर दो, कि उसी में अगर वो कोई काम कर रहे है, कोई चीज लिफ्ट कर रहे है, तो उसी में उसको रेजिस्टेंस बता दें कि इतनी आपने लिफ्ट करनी है. अगर इतनी बॉटल्स लिफ्ट कर रहे हैं आप, फिर आपने इतनी बॉटल्स की तरफ आ जाने, तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको. स्पेशल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ रहा, हमने उसी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाले सेशन को उसके हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, उसके जो काम है रूटीन के, उसमें हमने एड ऑन कर दिया. So, अगर हम इस तरह उसके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में या उसके फंक्शनल टास्किंग में उसके सेशन को एड ऑन कर देते हैं, उसी में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन. और बेटा ये मोस्टली हम करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो शुरू में थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं, अब हम चाहते हैं कि वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए इस ट्रेनिंग को, ताकि दोबारा वो चीज डेवलप ना करें, तो उसमें फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं उनके होम एक्टिविटीज में या होम एक्सरसाइज प्लान में, उनको ये सेशंस एड ऑन कर देते हैं. ठीक है, ताकि उनको, या फिर साइकोलॉजिकली जो पेशेंट्स अवॉइड करना चाह रहे होते हैं सेशंस को, तो हम उनके एड ऑन कर देते हैं, ताकि उन्हें साइकोलॉजिकली कोई बर्डन फील ना हो कि हमको ये रहता से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में ही इंटीग्रेट कर देते हैं उस एक्सरसाइज प्लान को. क्लियर है बेटे? मैम पीरियडाइजेशन एंड वेरिएशन को भी एक दफा एक्सप्लेन कर. पीरियडाइजेशन ये है बेटे कि एक पीरियड के लिए, कि आपने फर्स्ट 3 वीक्स के लिए, ठीक है, पेशेंट को इतनी इंटेंसिटी, इतनी ड्यूरेशन और इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ ही मैंने ये एक्सरसाइज रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करवानी है. ठीक है, ये एक पीरियड है. अब इस पीरियड के बाद आप वेरी करेंगे उसकी इंटेंसिटी को, उसकी ड्यूरेशन को और उसकी वेट को. ठीक है, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग में अब आप प्रोग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं. आफ्टर दैट वेरिएशन अब आपका जो पीरियड स्टार्ट होगा वो पीरियडाइजेशन है, कि वो अब नेक्स्ट पीरियड है. इसको कहते हैं बेटा पीरियडाइजेशन. ओके मैम, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. एनी अदर क्वेश्चन? आपने कहा ना कि स्ट्रोक के पेशेंट को पहले जो उसकी अफेक्टेड साइड होती है वहां पे नहीं करवानी चाहिए, पहले नॉर्मल, पहले अनअफेक्टेड साइड पे. हां जी बिल्कुल मैम. इसका बेनिफिट बता दें क्या? इसका बेनिफिट ये है बेटे कि आपकी, एक तो आपकी न्यूरल स्टिमुलेशन हो जाती है, एक आपको स्ट्रोक के पेशेंट को के पैटर्न उस साइड के बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है. ठीक है, उसकी जो मेमोरी है उस पैटर्न, उस साइड के पैटर्न को याद नहीं रख पाती. तो जब आप दूसरे साइड का करवाते हैं, एक तरह से उसकी न्यूरल स्टिमुलेशन होती है, उसकी न्यूरल रीलर्निंग होती है, उसका पैटर्न रीलर्निंग होती है, तो उसको एक पैटर्न मिल जाता है कि मैंने ऐसे उठाना है. फिर वो कोशिश करता है, लेकिन मसल की पावर और स्ट्रेंथ की वजह से वो कर नहीं पाता, लिफ्ट नहीं कर पाता. तो एक पैटर्न एक तो उसको दोबारा मिल रहा है, दूसरा बेटी एक तरह से हम उनको वार्म अप करवा रहे होते हैं. तो हमेशा अगर वार्म अप करवाना है, बिल्कुल शुरू ना करें पेशेंट की अफेक्टेड साइड से. एक तो वो पहले ही शुरू स्टार्ट में ही डीमोटिवेट हो जाएगा कि मुझसे ये ट्रेनिंग नहीं होगी, दूसरा बेटे वार्म अप नहीं होगा, और तीसरा बेटा उसको एक पैटर्न रीलर्निंग नहीं होगी. ठीक है, तो उसको कुछ फिजिकल थेरेपिस्ट ये करते हैं कि पहले खुद पेशेंट को करके दिखाती है, स्ट्रोक के पेशेंट को,
ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप पेशेंट को करके ना दिखाएं, आप उसको कहें वो अपनी साउंड साइड को उठाए, जब वो अपनी साउंड साइड को उठाएगा तो उसको एक पैटर्न खुद ही मिल गया, उसको एक मॉडल खुद ही मिल गया कि मैंने इस तरह उठाना है, इस पैटर्न में उठाना है, ठीक है? Yes, ma'am, thank you. Any other problem? Okay, bete. So take home message today is the sunnah, beta. The Prophet said, such people will go to heaven whose hearts are like those of little birds. ठीक है, सो बेटा, हेवनली पर्सनैलिटी इज वन दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ ऑल नेगेटिविटी, ठीक है, हु रिस्पॉन्ड्स विद लव डिस्पाइट हेट्रेड फ्रॉम अदर्स एंड लिव अमंग पीपल व्हाइल कंसीडरिंग ऑल ऑफ देम एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सो बेटा, हमें चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी रखें अपने माइंड में, और हमेशा बस इसी बात को फोकस किया करें, जहां आप ये वर्ल्डली नॉलेज ले रहे हैं वहां बस इस बात को माइंड में रखें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका दीन होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए और आपका फेथ होना चाहिए. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कि पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ, हमेशा अल्लाह ताला को, दीन को सबसे प्रायोरिटी रखें, और देन बेटा वर्क हार्ड, ये तो अल्लाह ताला भी आपको कहता है कि मेहनत करो और इसके हलाल के लिए मेहनत करो जितनी भी आपको करनी पड़े. तो अब आप अभी इस स्टेज पे आपका रिस्क हलाल यही है कि आप पूरी नियत से अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करें, ठीक है? सो पुट गॉड फर्स्ट, वर्क हार्ड, और बेटा ऑब्वियसली जब आपकी नियत अच्छी होती है और आप वर्क हार्ड करते हो तो आप इंशाल्लाह जरूर अचीव करते हो एट द एंड, एंड व्हेन यू अचीव समथिंग स्टे हम्बल. ओके, चलिए बेटा अब आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं. बॉयज आजकल क्लासेस आप कोई नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन बेटे? ले रहे हैं मैं. मिड्स आ गई हैं बेटे, बस आप लोगों के अब ये वेकेशंस हैं, आप लोग तैयारी करें, ठीक है, क्विज की भी और मिड्स की भी. मैम आपने असाइनमेंट नहीं दी. असाइनमेंट आफ्टर क्विज दूंगी बेटे. एक दफा क्विज दे दें आप लोग, क्विज की आप लोगों की देख के असेसमेंट, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी. मैम आपने रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की, आपने कहा था मैं कर दूंगी. बेटे रिकॉर्डिंग आपके एलएमएस पे अपलोड कर चुकी हूं. ओके मैम, थैंक यू. एवरीथिंग इज देयर ऑन एलएमएस. मैम बुक से कौन से टॉपिक्स करने थे क्विज के लिए? क्विज के लिए बेटे वो मैं आपको कर दूंगी आज इन्फॉर्म थ्रू ईमेल, ठीक है? आज आपको ईमेल करके मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं. तब तक आप अपनी प्रेजेंटेशंस ही ज्यादा, मोस्टली बेटे जो आपके क्विज कवर करेगा वो आपकी प्रेजेंटेशंस ही होंगी, ठीक है? उस पे फोकस करें, प्रैक्टिकली आपको पता हो कि क्या करना है. वर्ड टू वर्ड आप लोग चीजें रट्टा लगाने की बजाय आपको ये पता हो कि मैंने करना कैसे है, अगर कोई केस मिल जाता है तो कैसे अप्रोच करनी है, और केस सिनेरियोस का बेटे आप लोगों को बस पता होना चाहिए, ठीक है? जो याद करने वाली चीजें हैं वो भी स्लाइड्स में है, वो भी याद करनी है, और जो बुक से करनी होंगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन सी चीजें हैं जो आपने बुक से करनी है. ओके बेटे, आशरा जफर प्रेजेंट, अब्दुल रहमान इज नॉट प्रेजेंट टुडे. प्रेजेंट मैम. आयशा ज़ैनब प्रेजेंट मैम. अमार अमजद प्रेजेंट. अमीर फातिमा. आमना वहीद प्रेजेंट. आमना प्रेजेंट मैम. अक्सा प्रेजेंट. अरूज फातिमा प्रेजेंट मैम. अरूज आसिफ प्रेजेंट मैम.
आयशा जहीर प्रेजेंट बख्तावर प्रेजेंट मैम बिस्मा प्रेजेंट मैम दुआ प्रेजेंट मैम ईशा प्रेजेंट ईमान मैम उसके नेट का इशू है ज्वाइन की थी उन्होंने क्लास जी मैम ज्वाइन की हुई थी ईमान बिशारत प्रेजेंट मैम ईमान फरीद प्रेजेंट मैम ईमान अमजद प्रेजेंट मैम ईमान शाहिद फरा रोशान प्रेजेंट फातिमा खालिद प्रेजेंट गुलाम मुस्तफा यस मैम हाफिजा अलीना प्रेजेंट मैम मरियम नईम प्रेजेंट मैम हमना सईद प्रेजेंट हसनैन इफ्तिखार हसनैन ही जॉइन द क्लास हीरा हीरा गुलजार प्रेजेंट मैम इकरा नूर प्रेजेंट मैम जासिबा प्रेजेंट मैम खदीजा प्रेजेंट मैम खदीजा मुख्तार प्रेजेंट मैम किंजा खालिद प्रेजेंट मैम किंजा अशरफ प्रेजेंट मैम किंजा अजीज प्रेजेंट किरण अमीन प्रेजेंट मैम लाइवा नफीस प्रेजेंट मैम माहम बशीर प्रेजेंट मैम मेमुना प्रेजेंट मैम मारिया प्रेजेंट मैम मरियम प्रेजेंट मरियम मुश्ताक प्रेजेंट मैम ओके मरियम भाई प्रेजेंट प्रेजेंट मैम मरियम ताहिर आप ब्लॉक के बेटे कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ लें उनसे मरियम मुमताज प्रेजेंट मैम मिनाहिल प्रेजेंट मिनाहिल इफ्तिखार प्रेजेंट प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम ओके मिनाल इफ्तिखार प्रेजेंट मैम मुअज्जम प्रेजेंट मैम राशिद उमेर प्रेजेंट मैम मुनज़ा प्रेजेंट मुनीबा प्रेजेंट मैम मुकद्दस प्रेजेंट मैम नमीरा प्रेजेंट मैम नायला प्रेजेंट मैम निदा निदा हमना प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम निदा हमना कौन है प्रेजेंट मैम तो बॉयज में से कौन बोले पता नहीं निदा शम्स प्रेजेंट मैम निमरा खलील प्रेजेंट मैम बेटा सीरियस होके ऑनलाइन क्लासेस लिया करें निमरा शबीर प्रेजेंट मैम हुमायमा मैम राशिद राशिद मैम तो बेटे अब आप बोल रहे हो एंड पे बताओ ना उमाइमा रहीम प्रेजेंट है प्रेजेंट मैम रिहाब प्रेजेंट मैम रिमशा सफदर प्रेजेंट सबा प्रेजेंट सादिया प्रेजेंट मैम सादिया अनवर प्रेजेंट मैम सायरा अहमद प्रेजेंट मैम सना सना असवर शहजीना प्रेजेंट मैम शाइस्ता शानजे प्रेजेंट सोफिया सईदा मायरा प्रेजेंट मैम मैम सईदा मायरा की क्लास भी डिस्कनेक्ट हो गया तो उसने मुझे टेक्स्ट किया वो क्लास में थी सोफिया को प्रेजेंट मैम ओके सईदा तहरीम प्रेजेंट मैम तहरीम फैसल प्रेजेंट मैम उल्फत प्रेजेंट मैम वर्दा प्रेजेंट मैम जरीश जोहरा प्रेजेंट एनीवन लेफ्ट